दोस्तों, सोनी गुप्ता ब्लॉग वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो आप लोग उठ गए? मैं तो उठ गई। देखिए अभी समय 6 बज रही है और हम सो के उठ चुके हैं। और कल तो रात में दोस्तों मैं खाना भी नहीं खाई थी क्योंकि गढ़वा गई थी ना, तो थक गई थी। तो आई तो कपड़ा भी चेंज नहीं की, ऐसे ही सो गए। तो अभी सुबह में उठ के मैं कपड़ा चेंज की हूँ और बहुत मतलब थक गई थी, इसीलिए नींद लगने लगा था, सो गई थी। और कल तो मैं वीडियो भी नहीं डाली थी, आज वीडियो डाली हूँ। तो आप लोग देखना ना भूले दोस्तों, जाइए मेरा वीडियो आप लोग को मिलेगा तो देखिए। और पसंद आया दोस्तों तो लाइक कमेंट करना तो भूलिएगा ही नहीं आप लोग। तो आज का सुबह मेरा हो चुका है और मैं जा रही हूँ झाड़ू बर्तन करने। झाड़ू बर्तन करके मैं खाना बनाऊंगी तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। आज कुछ नया चीज़ बनाने वाले हैं तो आप लोग जरूर देखिएगा। जिसको जिसको नहीं आता होगा तो आप लोग ट्राई जरूर कीजिएगा। तो मैं आ गई हूँ खाना बनाने। तो इसमें देखिए चावल मैं बना ली, ये चावल हो चुका है तो इसको मैं उतार दूँगा। और इसमें देखिए मैं जो बोल रही थी ना कि कढ़ी बनाने वाली हूँ, तो कढ़ी के लिए यहाँ देखिए मैं बेसन ली हूँ और बेसन में सब मसाला डालूँगी और इसको मैं छानूंगी। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, मैं दिखा रही हूँ। मेरा बेसन है, मैं इसमें मसाला डालूंगी। ये देखिए मैं 1 चम्मच हल्दी डालूंगी और मिर्चा तो जो तीखा खाते हैं वो तीखा डालिएगा। मैं देखिए 1/2 चम्मच से कुछ बेसी डाल रही हूँ। और ये देखिए मसाला है मेरा घोल की जीरा, मेरा पिसा हुआ है पाउडर है तो मैं इसको डालूंगी 1/2 चम्मच। और 1/2 चम्मच देखिए मैं धनिया का पाउडर डाल रही हूँ। देखिए धनिया का पाउडर है, 1/2 चम्मच डाल रही हूँ। और मसाला बस इतना ही मसाला, और ज़्यादा नहीं। और मैं अकॉर्डिंग अनुसार नमक डालूँगी। देखिए मैं नमक डाल दी, मैं इसको पानी में मिला दूँगी। तो देखिए मैं इसका पेस्ट बना ली हूँ। तो अब मैं इसको जाती छान ले, और एकदम गीला होना चाहिए क्योंकि गीला रहेगा ना तो बहुत अच्छे अच्छे मुलायम मुलायम होता है। खाने में बहुत अच्छा लगता है, आप लोग ट्राई जरूर कीजिएगा दोस्तों। मेरे हस्बैंड तो बहुत पसंद करते हैं, बोलते हैं कि सोनी तुम रोज रोज बनाओ ना, लेकिन मेरे घर तो माठा नहीं है दोस्तों, तो कहाँ ले मैं रोज रोज बनाऊंगी। मैं इसको बना ली तो ये आप लोग सोच रहे होंगे ना कि ये गोल गोल नहीं है आपका, तो जो आप लोग टाइट का बनाते हैं ना वो गोल गोल रहता है तो उसमें ना रस नहीं घुसता है तो अच्छा नहीं लगता होगा। लेकिन ये देखिए ये वाला है तो ये एकदम गीला का है, गीला का बनाइएगा तो इसमें इसको डालिएगा, देखिए एकदम मुलायम है, एकदम मुलायम सा है ना। और इसको में अगर इसको कढ़ी में डालिएगा ना तो इसमें रस घुस जाएगा ना, तो घुस के एकदम फूल फूल के गोला गोला हो जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए मैं इतना बनाई हूँ, इसके पापा भी ऐसे ही खाए, बोल रहे बहुत अच्छा लग रहा है सोनी, तभी तो मैं ब्रश नहीं की हूँ तो मैं बताऊँगी। तो देखिए अब मैं जा रही हूँ इसको बनाऊँगी कढ़ी, तभी मैं जा रही हूँ भुजिया बनाऊँगी। ये देखिए खेक्सा है और करेला है, ये दोनों का मैं भुजिया बनाऊँगी। कैसा लगता है खेसा? तो बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, आप लोग खाएंगे तो आप लोगों को मालूम ही होगा, बताइएगा कैसा लगता है। और मैं अब जा रही हूँ अब कढ़ी के लिए। ये देखिए ये मेरा माठा है और ये देखिए मैं इसके लिए फोरन काटी हूँ। मिर्चा है तो ये मिर्चा मैं अंदर नहीं डालूँगी क्योंकि हरा मिर्चा से फोरन नहीं लगता है। लहसुन डालूँगी, जीरा डालूँगी और प्याज और सूखा मिर्च डालूंगी, तेजपत्ता डालूंगी, उससे बहुत अच्छा लगता है। मैं इसको उसको छौंकूंगी। और ये देखिए मेरा माठा है और ये देखिए मेरा बेसन है, इस
इसको मिलाऊंगी तो आप लोग देखिए दोस्तों कैसे मैं मिला रही हूँ। मैं ना बेसन का नहीं बना रही हूँ, अपना से दाल का कचरी पीस के देखिए कचरी का बना रही हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और देखिए मेरा भुजिया हो चुका है, मैं इसको निकाल रही हूँ, इसमें फिर मुझको कढ़ी बनाना होगा। मैं कढ़ाई गैस पे चढ़ा दी हूँ, गैस धरा दी और इसमें तेल मैं डाल दी हूँ, सरसों का तेल, घर का तेल है एकदम, हम लोग देसी तेल खाते हैं। और ये देखिए तेज पत्ता है, सूखा मिर्च है और जीरा है, ये हो गया छौंकने का, लहसुन है, हरा मिर्च मैं नहीं डालूँगी और प्याज डालूँगी। तेल अभी गर्म हो रहा है, तेल गर्म हो जाएगा तो मैं डालूँगी लहसुन, जीरा, मिर्चा और तेजपत्ता सब मैं डाल दी हूँ, सब जल रहा है, जल जाएगा तो मैं प्याज डालूँगी। प्याज डाल दी हूँ और इसको मैं भूनूँगी, अब ये लाल हो जाएगा ना तो मैं इसे डालूँगी, इसको डाल दी हूँ और इसको मैं अब जब तक ऐसे चलाते रहूँगी तब तक चाहिए दबकने ना लगे, क्योंकि ऐसे क्या है ना कि माटा फट जाता है, इसीलिए मैं इसको चलाऊँगी, चलाते चलाते जब ये दबकने लगेगा इसमें से भाप निकल जाएगा तो मैं इसे छोड़ दूँगी चलाना, इसके बाद मैं इसमें बड़ी डालूँगी। देखिए मेरा ये अब गर्म हो गया, भाप निकलने लगा और दबकने भी लगा तो मैं इसमें अब ये बड़ी डालूँगी। देखिए बाबू खा के कितना सा कर दिया, बहुत खाता है लड़का ये। और अभी भी देखिए 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 क्या करने आया, देखिए देखिए चोर को देखिए तो चोर को कितना सारा उठा लिया देखिए, और चला गया लेकिन बहुत बदमाश है। कितना बनाए थे, एक प्लेट ऊपर से था, सारा खा गया और हंस रहा है उधर जाके। देखिए मेरा डबकने लगा, कढ़ाई भर गया, कम करना होगा नहीं तो नीचे गिर जाए। अब इसको मैं छोड़ दे रही हूँ डबकने के लिए, खाने में बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। अभी कितना अच्छा लग रहा है, आप लोगों का तो मुंह में पानी आ गया होगा खाने के लिए। दोस्तों मैं खाना बना ली हूँ और सास ससुर को हस्बैंड को खाना खिला दी, और मेरी सासू माँ का बाल ना देखिए वाइट वाइट हो गया, तो बोले ना कि डाई कर दीजिए मेरा, तो हम डाई कर दे रहे हैं इनका, तो आप लोग देखिएगा। बाबू ऐसे नहीं करो, कौन बोलता है, मेरी सासू माँ भी, मेरी सासू में जवान है, तो देखिएगा इनको कैसे बना देते हैं। और मैं तेल जो लाई हूँ ना बाल बढ़ने वाला, इनको तेल भी लगाऊंगी। मैं बहुत सेवा करती हूँ सास ससुर का, लेकिन लोग समझते ही नहीं है। मेरे घर के सामने जो पेट्रोल पंप है ना, उसमें तीन तीन गो ट्रैक्टर जो कि दुर्गा माई जा रहे हैं तीनों पे हैं, दिखाते हैं घूम करके। वहाँ देखिए एगो या इधर में देखिए, उधर उस पर भी हैं और इधर में है, ये इधर में भी है, ढके हुए हैं, दिख नहीं रहे हैं। देखिए एक जा रहे हैं, एक और आ रहे हैं। कांडी में ना बहुत अच्छा अच्छा मूर्ति जी बनते हैं, तो कांडी से ही जा रहे हैं, अगल बगल में गांव है ना वहाँ पे सब दिल ले जा रहे हैं। देखिए बाबू देखने गया है, चले गए ना। कर ली और तैयार हो गए, और ये साड़ी देखिए ना हम पे बहुत अच्छा लग रहा है, ब्लैक कलर का साड़ी है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग कमेंट बताइएगा आप लोग कैसा लग रहा है, हमको तो अच्छा लग रहा है। और देखिए मैं अभी जा रही हूँ खाना खाने, ये देखिए खाना है, चावल है, कढ़ी है और ये खिक्सा का भुजिया है, तो जा रहे हैं अभी खाने।
तो आप लोग के भी, आप लोग के लिए भी है, जिसको जिसको पसंद है दोस्तों बोलिएगा। तो ठीक है, आप लोग वीडियो में बने रहिए। कि अभी दुकान में बैठे हुए हैं और मेरा बाबू ना क्या तो बेच रहा है। क्या बेच रहा है बाबू, क्या तो बेच रहा था ये बताओ ना। अभी बोल रहा था ना, मम्मी वीडियो बना, हम दोस्तों से बोलेंगे कि आइसक्रीम बेच रहे हैं। क्या है बेच रहा है, कैसे रुपये में है? दस वाला है, दस वाला आइसक्रीम बेच रहा है मेरा बाबू। किसको किसको खाना है दोस्तों कमेंट में बताइएगा, मेरा बाबू दस वाला आइसक्रीम देगा आप सबको। आइसक्रीम दिखाओ, कैसा आइसक्रीम है दिखाओ, दिखाओ खोल के दिखाओ। हाँ वही वाला खोल के दिखा। हाँ वही, हाँ हाँ वही, वो सिर्फ बेच रहा है दोस्तों, देगा नहीं, खोल के दिखाएगा नहीं। का दिन तो ऐसे ही कट गया, तो हम लोग कल कहीं घूमने जाएंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो आज मैं वीडियो यहीं से एंड कर रही हूँ, और आप लोगों को पसंद आए तो दोस्तों लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाय दोस्तों।